जब मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था, सीमा पर जाना मेरा स्वभाव था। बीएसएफ के जवान हो, सेना के जवान हो, मैं दिवाली उनके बीच मनाया करता था। जब एक बार गुजरात की सीमा पर जाकर के बीएसएफ के जवानों के साथ बैठा, तो बीएसएफ के जवान पीने के लिए पानी, सैकड़ों कैमल, सैकड़ों ऊंट पानी ढोकर के लाते थे। तब ये रेगिस्तान में देश की सुरक्षा करने वाले हमारे जवानों को पीने का पानी मिलता था। उस दर्द को मैंने भली भांति अनुभव किया था। और जब सरदार सरोवर डैम का काम आगे बढ़ा, तो मन में एक इच्छा जगी कि मैं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मेरे बीएसएफ के जवान जो बिना पानी रेगिस्तान में खड़े हैं, मैं नर्मदा का पानी उन तक ले जाऊंगा। पाइपलाइन लगाई 700 किलोमीटर दूर, कई वर्षों से, दशकों से ऊंट जब पानी ढो करके लाता था, तब मेरे देश की रक्षा करने वाला जवान पानी को पाता था। जिस दिन मैं पानी लेकर के, नर्मदा का पानी लेकर के पहुंचा, मैंने बीएसएफ के जवानों के चेहरे पर वो खुशी देखी थी। वो इंजीनियरिंग मिरेकल था कि हमें यहां से पानी उठा करके 700 किलोमीटर दर नर्मदा का पानी पहुंचाया, और पहुंचाने के लिए पानी को कभी कभी तो 60 मंजिला ऊंचाई तक उठा करके ले जाना पड़ा, फिर नीचे ले आए। भाइयों बहनों, पूरा सरदार सरोवर डैम एक इंजीनियरिंग मिरेकल है, कैनाल नेटवर्क इंजीनियरिंग मिरेकल है।